अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस्लामाबाद फूडी के किचन में आप सब लोग को खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम जो डिश बना रहे हैं ये बैंगन के साथ हम बना रहे हैं और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये हम बैंगन बिरयानी आप समझ लें इसको, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही अच्छी होती है ये। तो हम बनाना अब शुरू करते हैं बैंगन बिरयानी को। इसके लिए जो लिए हैं मैंने 3 अदद बैंगन लिए हैं, 1/2 किलो मैंने दही लिया है जिसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, ये रेड चिली जो है पिसी हुई इसको 1 टेबल स्पून लिया है, नमक 1 टेबल स्पून है, कुटा भुना ज़ीरा जो है 1 टेबल स्पून है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून है, ये चिली फ्लेक्स जो हैं ये 1/2 टीस्पून है, हल्दी जो है ये 1/2 टीस्पून है और चाट मसाला 1 टेबल स्पून है। तो हम बनाना शुरू करते हैं रेसिपी जो है ये बैंगन बिरयानी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं सबसे पहले आपको मिल सकें। तो बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। तमाम बैंगन पे जो है ये मैं थोड़ा थोड़ा सा ये है नमक जो है डाल रही हूँ और डालने के बाद इसे मल लेंगे बैंगनों को ताकि अच्छी तरह से जो नमक है ये इसके अंदर लग जाए और उसके बाद हम जो है ये इसे फ्राई करेंगे। बैंगन को हमने मीडियम फ्लेम पे जो है ये फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हाँ इतना करेंगे कि बैंगन का जो है ये कलर चेंज हो जाए और ये बहुत अच्छी तरह से जो है ये थोड़ा सस्ते गोल्डन कलर आ जाए। तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में, इसी तरह से सारे जो है बैंगन जो है फ्राई करेंगे। अब बैंगन की जो है आखिरी गोल से इसको तल दें, अगर ये गोल्डन हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। फ्लेम जो है ये मैंने मीडियम रखा है, दूसरी साइड का भी कलर चेंज हो गया है और हम बैंगन को निकाल लेंगे प्लेट में, जिसमें पहले जो बैंगन निकाले थे उसी में तमाम बैंगन जो है ये मैं निकाल रही हूँ। जिस ऑयल में हमने बैंगन तले थे उसी ऑयल में जो है मैं मसाला बनाऊँगी। मसाले के लिए सबसे पहले जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है, ये हम शामिल करेंगे ऑयल में, डायरेक्ट मैं डाल दूँगी इसमें। इसके साथ ही हम इसको ज़रा फ्राई करेंगे। इसके बाद जो है ये थोड़ा सा पानी जो है ये इसमें डलेगा। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह 1 टेबल स्पून जो है ये किसी भी जो है मिर्च ये डाल रही हूँ। मिर्च डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही कुटा और भुना ज़ीरा जाएगा। हाफ टी स्पून जो है ये गरम मसाला इसमें डलेगा। इसके साथ जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी। ये हल्दी जो है ये मैंने जो है 1/2 टीस्पून ली थी, ये भी जाएगी इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद ये है 1 टीस्पून जो है ये चाट मसाला है, ये भी इसमें जाएगा। चाट मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करती हूँ। मसालों की खुशबू बहुत अच्छी तरह से आ रही है। और ये जो है बैंगन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं
और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। जब मसाला भुन जाएगा तो हम फिर जो है ये बैंगन में डालेंगे मसाले को। इसे हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और तमाम मसाले। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और इस भुनने के साथ ही इसे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और हम चूल्हे को बंद करते हैं। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। अब ये मसाला जो है ये हम प्लेटर में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ईशान देख, प्लेटर में जो है ये मसाला मैंने फैला दिया है अच्छी तरीके से और इसके ऊपर जो हम हैं अब ये बैंगन की जो है ये बैंगन की बेस लगाएंगे। ये अच्छी तरह से तमाम बैंगन जो है इसमें हम डाल देंगे। ये बैंगन हमने बहुत अच्छी तरह से इसमें फैलाने हैं। इसके बाद जो है ये दही की जो लेयर है ये जाएगी। ये जो है ये दही गाढ़ा है और इसी तरह से तमाम बैंगन्स पे जो है ये दही जाएगा। इसके बाद हम फिर मसाला डालेंगे इसमें। ये मसाला अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है। इसके बाद हम फिर बैंगन की लेयर लगाएंगे। इसमें ये बैंगन की लेयर मैं लगा रही हूँ। इसके बाद फिर मसाले की लेयर लगाऊंगी। ये देखिए मैं तमाम मसाला जो है ये डाल दूंगी बैंगन के ऊपर। ये अच्छी तरह से कोट कर देंगे हम मसाले में। ये थोड़ा सा मसाला रह गया है ये भी इसमें डल जाएगा। अब जो है दही के लेयर लगाएंगे। इसके बाद जो है इसका भगार तैयार होगा वो इसके ऊपर डलेगा। अब जो इसके बाद दही डालने के बाद इसका भगार तैयार करते हैं। भगार तैयार करते हैं। ये दो मैंने जो थी सुर्ख मिर्च ले ली थी इनको बारीक मैंने काट लिया था। इसका अब हम भगार तैयार कर लें। ये मैं बस ये देखें इसका भगार तैयार हो रहा है। इसके बाद भगार तैयार हो गया है और ये जो है ये मैं इस पे बैंगन पर डालूंगी। बैंगन के ऊपर जो था थोड़ा सा मसाला रह गया था वो मैंने इसमें डाल दिया था और अब जो है ये भगार इसमें जो है ये मैं डाल दूँ। बैंगन बिरयानी को आप ज़रूर बनाइएगा। इसे मैंने धनिया से गार्निशिंग करा था और आप जो है इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। क्योंकि जब मैंने घर में ये बनाई थी तो मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत पसंद आई थी बैंगन बिरयानी। आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।